जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2017 का है, ओल्ड पेपर है, जिसमें जो है व्यापम द्वारा जो एग्जाम होते हैं उसकी का है एक एग्जाम है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इसमें देखिए किस प्रकार के पीईबी जो व्यापम होता है, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बता दें आपके लिए अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लेकर आया है यहाँ पर आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आप एमपीपीएससी एंड व्यापम संबंध कोई सा भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे फ्री प्लान उपलब्ध हैं, प्लस आपका सब्सक्रिप्शन भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आपके लिए बता दें फ्री प्लान में आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज में आपके लिए यहाँ पर बता दें एमपी जो है एमपीपीएससी प्री के लिए चैंपियनशिप है 2020 के लिए, यहाँ पर अटेंड करें। प्री मॉक टेस्ट है और इसका एनालिसिस बताया जाता है। नेक्स्ट डे एमपी के टॉप एजुकेटर यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि तीन रैंकर्स जो रहते हैं, टॉप थ्री विनर्स रहते हैं, उनके लिए 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है अनअकैडमी के द्वारा। तो ये जो है यहाँ पर टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट देखिए फर्स्ट टेस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो है यहाँ पर आपके लिए डेट दी गई है। ये डेट याद रखिए, यहाँ पर टॉप थ्री विनर्स के लिए 1 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। और यहाँ पर प्री मॉक टेस्ट है फॉर एमपी पुलिस के लिए और एएसआई के लिए। तो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जो, उनके लिए तो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर सुनहरा अवसर है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी अटेंड प्री मॉक टेस्ट है और एनालिसिस भी बताया जाता है और एमपी के टॉप एजुकेटर है। 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर आपके लिए दिया गया है टॉप थ्री विनर्स के लिए। ये जो देखिए आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, ये आपकी यहाँ पर डेट दी गई है 26, 27, 28 को। एसआई, एमपी एसआई के लिए भी यहाँ पर मॉक टेस्ट हैं, 3 मॉक टेस्ट हैं, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस फीचर्स जान लेते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर क्या क्या आपके लिए उपलब्ध रहता है, तो यहाँ पर फेवरेट एजुकेटर है आपके, यहाँ पर कंप्लीट आपकी तैयारी करवाई जाती है। रेगुलर आपका डाउट क्लियर सेशन भी होता है और यहाँ पर कवरेज आपका पूरा जो भी सिलेबस रहता है पूरा कवर किया जाता है। प्री मॉक टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पर, वीकली मॉक टेस्ट भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग खालिस्तान है। तो यहाँ पर आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो आपका सही आंसर है 3.7 करोड़, आपको यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस तारीख को श्री जयंत मलैया ने विधायी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक राज्य बजट पेश किया था। जयंत मलैया जी ने पेश किया था तो विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक बजट पेश किया था, तो यहाँ पर तारीख बताना है। तो बताइए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका सही आंसर है 1 मार्च। 1 मार्च आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर देखिए कि अहमद शेर खान किस खेल के साथ जुड़े हैं। अहमद शेर खान जो है किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं, हॉकी से, निशानेबाजी से, तीरंदाजी से या फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का हॉकी, यानी कि विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर राइट आंसर। हॉकी खेल से संबंधित है अहमद शेर खान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4 की, देखिए यहाँ पर क्या है कि परसिली कौन से जिले में स्थित है। परसिली बताना है, परसिली कौन से जिले में स्थित है, सीधी में या इंदौर में या आपका भोपाल या मंदसौर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है और 4 विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं। राइट आंसर बताना है तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है सीधी। सीधी यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
5. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? तो किस वर्ष स्थापित हुआ यह बताना है, 1988, 1987, 1985, 1986. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था? आपका सही आंसर है 1985 में. 1985 यानी कि विकल्प नंबर 3 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण जो है स्थापित हुआ था. अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है कि किस वर्ष में एमपी राज्य वन विभाग निगम की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग जो विभाग होता है वन विकास निगम पूछा है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1973 में, 1975 में, 1979, 1977. तो 1975 आपका विकल्प नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है. 1975 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है. अगला क्वेश्चन है, नागाजी के मेले का आयोजन कौन से गांव में होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नागाजी का मेला तो कौन से गांव में इसका आयोजन होता है यह आपके लिए बताना है, भमाबाद में, घोघरा में, संबारा में या ओरसा में. क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 विकल्प आपके यहां पर उपलब्ध है. क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या है राइट आंसर, पोरसा यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है. पोरसा में आयोजित होता है नांगा जी का मेले का आयोजन, पोरसा गांव में होता है. क्वेश्चन नंबर 8 है यहां पर कि क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी यह पूछा है, विदिशा में, उज्जैनी में या सांची में या महेश्वर में. तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है वह है उज्जैनी यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर है. चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी उज्जैनी आपका राइट आंसर विकल्प नंबर 2. अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए एक क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया था, तो 2017 की बात है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर, बसंत प्रताप सिंह यानी कि विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट आंसर है. देखिए ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था और तब का जो है यह करंट का क्वेश्चन था. इस प्रकार करंट भी आप पढ़े, करंट के भी यहाँ पर चैनल पर बहुत सारी वीडियो जो है करंट का रोज वीडियो आता है आपका, एमपी करंट का और इंडिया करंट का, तो वह भी आप देखना ना भूलें. और अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है क्या स्थित है आपके लिए बताना है, तो बताइए जहांगीर महल या सहस्त्रबाहु मंदिर या रानी रूपमती महल या आपका मदन मोहन महल. तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं और आपका सही आंसर है कि ग्वालियर में स्थित है. तो ग्वालियर में स्थित है क्या है, ग्वालियर में स्थित विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 जो है राइट, विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है, सहस्त्रबाहु मंदिर आपका सही आंसर है. विकल्प नंबर दो आपका राइट आंसर है, सहस्त्रबाहु मंदिर. अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदियां एक ही पठार से उत्पन्न होती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही पठार से जो नदियां उत्पन्न होती हैं, नर्मदा सोन, नर्मदा बेतवा, नर्मदा छपरा सोन. 4 विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का जो राइट आंसर है नर्मदा सोन आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है. अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर पहले नर्मदापुरम कहलाता था? नर्मदापुरम कहलाता था, वह शहर बताना है कौन सा वह शहर है जो पहले क्या कहलाता था, नर्मदापुरम कहलाता था. जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर. तो आपका सही आंसर है होशंगाबाद यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है? नहीं पूछा है तो नहीं है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा नहीं है, नेहरू स्टेडियम या होलकर स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल या ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम. 4 विकल्प हैं, तो वह नहीं है, कौन सा नहीं है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम जो है यह आपका कहां पर, ग्वालियर में, सॉरी इंदौर में नहीं है. यह कहां पर है यह आपके लिए बताना है, कहां पर है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम. अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन तो देखिए, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश का सीमा राज्य नहीं है? तो सीमा राज्य नहीं है यानी कि मध्य प्रदेश से उस मध्य प्रदेश और उस देश की जो है सीमा नहीं लगती है। तो बताइए भाई कौन सा है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या गुजरात या राजस्थान? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर एक आपका कर्नाटक आपके यहाँ पर राइट आंसर है। कर्नाटक जिन्होंने विकल्प नंबर एक बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान किस विभाग के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान किस विभाग के अंतर्गत आता है? गृह विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग या खनिज संसाधन विकास या लोक निर्माण विभाग? तो आपका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग आपका विकल्प नंबर दो यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर दो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम पूछा है तो प्रथम बताना है आपके लिए कौन थे, तो जल्दी से बता दीजिए, चार विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर पूछा है तो आपका सही आंसर है कुंजीलाल दुबे, कुंजीलाल दुबे यानी कि विकल्प नंबर आपका तीन यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर तीन जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम राज्यपाल थे तो कौन थे, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। चार विकल्प हैं आपके यहाँ पर और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर दो राइट आंसर, पट्टा भी सीतारमैया आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर दो यहाँ पर जिन्होंने बताया उनका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहले मुख्य न्यायाधीश, देखिए यहाँ पर प्रथम प्रथम पूछा गया है तो पहले पहले यहाँ पर बताना है, तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, है आपके लिए बताना, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर तीन यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्ला है आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर तीन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 से अपने यहाँ पर, रसिक प्रिया जो है कविता के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रसिक प्रिया जो है किस कवि की रचना है, इस प्रकार की भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रसिक प्रिया कविता के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं? केशवदास यानी कि विकल्प नंबर आपका चार यहाँ पर राइट आंसर है, केशवदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगर यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित कायथा साइट किस जिले में है? तो कायथा पूछा है, कायथा जो है किस जिले में स्थित है यह आपके लिए बताना है, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, गुना, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है यहाँ पर उज्जैन यानी कि विकल्प नंबर तीन आपका राइट आंसर है। यहाँ पर जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में और फ्री में क्या अंतर है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपके लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पर हम आपके लिए बता दें फ्री में आपके लिए क्या है, फ्री में आपको यहाँ पर प्री लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, लिमिटेड PDF नोट्स हैं और लिमिटेड आपके डाउट क्लियर सेशन है और MP के टॉप एजुकेटर हैं। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन में बात करें इसमें क्या है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, अनलिमिटेड PDF नोट्स हैं और अनलिमिटेड रेगुलर आपका यहाँ पर डाउट क्लियर सेशन होता है और टॉप एजुकेटर हैं ये जो है अनलिमिटेड आपका यहाँ पर उपलब्ध है प्लस सब्सक्रिप्शन में। यहाँ पर जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो सुमित जैन रेफरल कोड यूज अवश्य करना है आपके लिए, तभी आपके लिए यहाँ पर 10% डिस्काउंट है अभी जो है चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर और भी यहाँ पर आपके लिए क्या फीचर्स हैं, तो यहाँ पर वीकली क्विज भी होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर डाउट क्लियर सेशन भी होते हैं। देखिए ये जो PDF है यहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अब जान लेते हैं बैच कोर्स के बारे में, तो बैच कोर्स के बारे में हम आपके लिए बता दें अनअकैडमी के, तो आज ही अनअकैडमी अब डाउनलोड कर लें आप। यहाँ पर आपका फर्स्ट बैच चल रहा है अचीवर बैच, जिसमें MPPSC प्री 2020 का जो है कोर्स यहाँ पर MCQ है और हिंदी मीडियम में ये आपका कोर्स है, स्टार्ट हो चुका है 18 फरवरी से। MP के टॉप एजुकेटर है आप देख सकते हैं, ये MP के टॉप एजुकेटर हैं, जिसमें 10% डिस्काउंट भी आपके लिए उपलब्ध है, समझ जाएं, रेफरल कोड यूज अवश्य करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। फाउंडेशन बैच कोर्स है
ये 10 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स है जो इंग्लिश मीडियम में है और ये आपका 18 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ये जो है एमपी के टॉप एजुकेटर हैं आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आपके लिए इसमें भी 10% डिस्काउंट चल रहा है। कोड आपके लिए सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है तभी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पर लक्ष्य MPPSC 2022 के लिए फाउंडेशन कोर्स प्री और मेन्स दोनों के लिए हिंदी मीडियम में स्टार्ट 19 फरवरी से। यहाँ पर देखिए लोकेन जी हैं, गौरव जी हैं और मुकेश जी हैं, ये जो हैं टॉप एमपी के टॉप एजुकेटर हैं, एजुकेटर जिनके माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जाती है। इंडियन बेस्ट एजुकेटर फॉर एमपीपीएससी एंड व्यापम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बेस्ट एजुकेटर हैं इंडियन इंडिया के, और जिनके माध्यम से आपकी एमपीपीएससी एंड व्यापम की संबंधित कोई भी तैयारी जो रहती है वह इनके द्वारा करवाई जाती है। यहाँ पर आपके लिए जो है 1 मार्च तक डिस्काउंट चल रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपके लिए 10% डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। सुमित जैन रेफरल कोड यूज आप करेंगे तो यहाँ पर 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का ये जो सब्सक्रिप्शन जो दिया गया है अभी इसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके लिए। तो ये जो है यहाँ पर सभी कोई सा भी आप कोर्स खरीदेंगे 10% डिस्काउंट है आपका। ये डिस्काउंट जो है आपका सीमित है, तो अभी आप इसका यूज कर लें और बाद में आपका ये डिस्काउंट 5% बचेगा। अभी आपके लिए 10% अनअकैडमी दे रही है, सुमित जैन रेफरल कोड यूज करना है तो ये डिस्काउंट है और सुमित जैन रेफरल कोड यूज करें। और व्यापम से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं अनअकैडमी के साथ। तो आज ही अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा। तो इस प्रकार यहाँ पर अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, जिसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपके लिए PDF और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में। आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।